यूक्रेन ने दावा किया कि डॉनबास में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता दे दी थी। जबकि कीव और उत्तरी यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे हटाने के बाद खबर है कि रूस का अब पूरा फोकस डॉनबास पर ही है, यानी रूस किसी भी कीमत पर इस पर कब्जा करने की फिराक में है। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के इस सपने को तोड़ने के लिए कमर कस ली है। सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात दिखे। कहीं खुले मैदान में बंकर बनाकर उन्होंने मोर्चा संभाला, तो कहीं पेट्रोलिंग कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कहीं थोड़ी सी भी हरकत होने पर यूक्रेन के सैनिक जवाबी कार्रवाई करते नजर आए। हालांकि डॉनबास में यूक्रेन की सेना का सामना न केवल पुतिन के सैनिकों से है, बल्कि विद्रोहियों ने भी उनकी नाक में दम कर रखा है।